और एक बार सीधा रुक करते हमारे सहयोगी अमित पालित का, जो इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज की तारीख में इतनी बड़ी पुलिस की संख्या बल केवल इसलिए लगा रखी गई है कि कहीं कोई मीडिया वाला, कहीं इंडिया टीवी के पत्रकार जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात ना कर ले, सच ना जान ले। ये पुलिस उस वक्त कहां थी जब ये घटना घटी इस जगह पर? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है हाथरस की? बिल्कुल, देखिए मिलाकी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये कोतवाली चंदपा, ये वो थाना है जिसके क्षेत्र में पड़ता है वो गांव जहां पर बुलगड़िया गांव, जहां पर ये हादसा हुआ था, जहां पर उस पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद उसकी इस तरह से पिटाई की जाती है, उस पर टॉर्चर किया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और इस थाने से महज 1 किलोमीटर दूर, मीनाक्षी सिर्फ 1 किलोमीटर, जो हम वॉकिंग डिस्टेंस कहते हैं, उस 1 किलोमीटर दूरी पर वो गाँव है। तो आप सोचिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है और क्या इनके अंदर खौफ होगा इस खाकी का, कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर ये थाना पड़ता है, कोतवाली पड़ता है, वहां से बस इतने से महज दूरी पर ही लोग इस तरह का घिनौना काम कर देते हैं। उनको डर ही नहीं है कानून का। यहां पर इतना बड़ा पुलिस फोर्स लगाया गया, 144 लगा दी गई है यहां पर, ताकि यहां पर लोग ना जा सके। कहां ना जा सके कि गांव में जाकर पत्रकार मुलाकात कर ले, उस पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ले। अपराधियों में इस खाकी का खौफ नहीं है, इसलिए अपराधियों में इस खाकी का खौफ नहीं है। अमिताभ, बने रहिएगा हमारे साथ। हाथरस के डीएम ने पीड़ित परिवार को कैसे धमकाया, परिवार ने इंडिया टीवी को वो सब कुछ बताया। ग्राउंड जीरो से कड़े पहरे के बीच इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद भी पीड़ित की भाभी हमारे साथ जुड़ने वाली है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा।